और जो लोग मजहब के ठेकेदार है, धर्माधिकारी लोग जो है, वो मजहब को एक मुद्दा बनाते हैं वोट बैंक के लिए। जो आज की आप जो कह रहे बिल्कुल सही कहते हैं कि कम्युनल फीलिंग जो है वो क्यों है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन लोग जो प्रॉब्लम करते अपने वोट के लिए झगड़े फसाद करते ताकि उसे वोट बैंक मिले। अक्सर 100% नहीं तो अक्सर कह सकते 90% करो 99% करो, मैं आपको छोड़ता हूं, लेकिन अक्सर पॉलिटिशियन लोग आप देखेंगे, हमारा देश जो हिंदुस्तान है वो सबसे सारे दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट मजहब के बुनियाद के ऊपर जो फसाद होते हैं झगड़े फसाद, नंबर वन पे शहर देश आता है हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि मजहब के जरिए से लोग फायदा उठा के झगड़ा फसाद पैदा करते। अगर एक जगह है ना झोपड़पट्टी है बिल्डिंग बनाने का, क्या करो मजहब के नाम पे दंगा फसाद करो, झोपड़ों को जला दो, वहां फाइव स्टार होटल आ गया। आम है, आप देखो हो रहा है कि नहीं। तो मेरी गुजारिश है मेरे हिंदुस्तान भाइयों से, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, अपनी मजहब की किताब पढ़ो, उससे आपको पता लगेगा कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, उसकी इबादत करो, बुत परस्ती मत करो। आपकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने जो कहा उसके ऊपर अमल करो। इसी भी अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, जो एक ही दीन है, एक ही मजहब है जो अल्लाह कबूल फरमाएगा वो है इस्लाम। इस्लाम कोई लेबल नहीं है, खाली अपने आप को मुस्लिम बोलना मतलब जन्नत में नहीं जाएंगे, आपका नाम अब्दुल्ला जाकिर सुल्तान रखने से जन्नत में नहीं जाएंगे। इस्लाम के मानी अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह सुबहान व तआला के अहकाम के मुताबिक चलना, सिर्फ अपना नाम रखना जाकिर अब्दुल्ला मोहम्मद सुल्तान से जन्नत में नहीं जाएंगे। तो लोग अगर समझते मैं अपने आप को मुसलमान बोला जन्नत में जाएगा, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के रसूल के अहकाम को अगर वो बराबर तौर तरीके से अमल करेगा तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 के अल्लाह सुबहाना व ताला इस्लाम के अलावा कोई दूसरे मजहब में आखिरत में कभी कबूल नहीं फरमाएंगे और कभी भी आखिरत में वो सफल नहीं होंगे। ये इस्लाम जो लफ्ज है, लफ्ज तो मत जाओ, इस्लाम के मानी खुदा के अहकाम के ऊपर अमल करना और अमन हासिल करना। और मुस्लिम का मानी यह है कि जो इंसान खुदा के अहकाम के ऊपर अमल करता है, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हिसाब से चलता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो खुदा ने सिर्फ एक ही मजहब भेजे दुनिया में जिसका नाम है खुदा के अहकाम पे चलना। वो लोगों ने अपने फायदे के वजह से मुख्तलिफ मजाहिब में बातें जो आप देख रहे हैं, इसीलिए अगर आप अपनी मजहबी किताब पे जाएंगे और कम से कम वो जो यकसा है उसको अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सिरात मुस्तकीम पाएंगे। वहां पर एक पीछे के माइक पर एक गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना नाम और प्रोफेशन बताएं और सवाल करें। हेलो, हाँ, मेरा नाम असदुल्ला सिन्हा है, मैं 2 साल पहले ईमान लाया। मेरा एक सवाल है हजरत से कि मैं बहुत से उलमा से भी सुना हूं कि जिस मजलिस में नबी पाक का दरूद शरीफ नहीं पढ़ा गया हो उस मजलिस अल्लाह के समीप मुकम्मल नहीं हुआ, क्या यह बात, क्या ये तो सही है कि जिस मजलिस में अगर नबी पाक का पर दरूद नहीं पढ़ा जाए उस मुकम्मल तो नहीं हुआ। तो और है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते जो हूँ अल्लाह पर दरूद भेजते हैं। तुम भी अल्लाह सवाल जो है वो उनवान पर नहीं है और ये सवाल फिक और मसाइल में है, तो आप मुसलमान भी हैं तो इसलिए ये सवाल अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर और कोई सवाल है तो कर सकते हैं, अगर वहां पे कोई गैर मुस्लिम है तो कर सकता है, या फिर यहाँ पर हम जो गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और सवाल करें। मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं बिजनेसमैन हूँ,
मैं सवाल करना चाहता हूँ कि मदीना में नॉन मुस्लिम अलाउ क्यों नहीं है? अगर है तो बताएं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है बताएं। भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा कि मदीना मदीना शहर है, वहां गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत क्यों नहीं, मक्का में भी नहीं? तो ये दोनों जो हरमैन हैं, मक्का और मदीना, वहां गैर मुसलमानों को जाने की इजाजत क्यों नहीं? जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम मजहब सारी इंसानियत के लिए है, तो गैर मुस्लिम को मक्का मदीने में आने की इजाजत क्यों नहीं? इसकी वजह है क्योंकि ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि आज की तारीख के बाद गैर मुस्लिम को आने मत दो। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हर देश में कोई ना कोई इलाका होता है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री एरिया। वहां उस देश का नागरिक, हर नागरिक नहीं जा सकता, उसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री एरिया। सिर्फ वो नागरिक जो देश को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो नागरिक को उस कैंटोनमेंट एरिया में जाने की इजाजत है। मिसाल के तौर पर पुणे में कैंटोनमेंट एरिया है, बंबई में है, या कलकत्ता में है, क्या पता नहीं मुझे, कैंटोनमेंट एरिया, या सिर्फ मिलिट्री लोगों को जाने की इजाजत है, या वो नागरिक जो देश के लिए मन मिटने को तैयार है। मैं कहूंगा कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, हिंदुस्तान हूं, जाने दो, ममनू, अलाउड नहीं। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का मेरे हिसाब से कैंटोनमेंट एरिया है। सिर्फ वो इंसान जो इस मजहब के लिए मन मिटने को तैयार है उनको इजाजत है। वो इंसान जो मन मिटने को तैयार है इस मजहब के लिए उनको अलाउड है। दूसरा हिस्सा जवाब का, जब भी आप कोई देश में जाना चाहते हैं उसके लिए वीजा की जरूरत है, वीजा, वीजा। मिसाल के तौर पे वीजा मिलना, कुछ ममालिक में वीजा मिलना आसान है, कुछ ममालिक बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अमेरिका, अमेरिका में वीजा मिलना बहुत कठिन है, 10 सवाल पूछेंगे, ये फलाना ढिमका सब। मैं जब गया था पहली बार सिंगापुर कई बार गया, वहां लिखा था इमिग्रेशन फॉर्म पे डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग आपके पास मिला, ड्रग मतलब हीरोइन, कोकेन, चरस, गांजा आपके पास मिला, तो सजा है मौत। अगर मुझे सिंगापुर जाने का है तो मुझे उस उनके कानून को मानना पड़ेगा, नहीं तो सिंगापुर में जा ही नहीं सकता। अगर मेरे पास कोकेन, चरस, गांजा मिलेगा, सजा है मौत। मैं नहीं कह सकता तो सजा है मौत, ये गलत है, तो सिंगापुर में जाओ। ये वीजा के कंडीशंस है। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने के लिए, वीजा के लिए, इंसान को अपने जबान से सिर्फ कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आप ये कहेंगे आपके जबान से तो आपको कोई रोकेगा नहीं मक्का मदीना जाने के लिए। हाँ, सवाल कर सकते हैं, पहले अपना नाम और प्रोफेशन बताएं। नाम जसमीत सिंह अरोड़ा है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, और आज शायद बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूं कि डॉक्टर जाकिर नायक, बहुत दिन बाद एक इंसान ऐसा मिला है जो बहुत टेक